जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी मुठभेड़ की दो घटनाएं, दोनों मुठभेड़ में मारे गए चार आतंकी। पहली मुठभेड़ ड्राच इलाके में, यहां मारे गए तीन आतंकवादी, जैश से जुड़े हैं तीनों स्थानीय। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के साथ पुलिस भी तैनात, रात से जारी थी ये फायरिंग। शोपिया के ही मोलो इलाके में दूसरा एनकाउंटर, आतंकवादियों के छुपे होने का यहां सुराग मिला था। दूसरे मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, AK-47 बरामद, पूरे इलाके की नाकेबंदी। आज अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, आज बारामूला में रैली भी करने वाले हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की, अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद से हालात सामान्य हैं। श्रीनगर में अमित शाह ने आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस वालों के परिवारों से मुलाकात की। वहीं अमित शाह ने राजौरी में की रैली, कश्मीर में तीन परिवारों पर जमकर साधा निशाना। वहीं राजौरी में गृहमंत्री का ऐलान, 370 हटने के बाद से राज्य में आई है शांति, बढ़ा है निवेश। प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल के दौरे पर और इस साल होने हैं इस पहाड़ी राज्य में चुनाव, कई सौगात देंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और CM जयराम ठाकुर ने लिया प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा, अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। 3650 करोड़ की परियोजनाओं को शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बिलासपुर में नवनिर्मित एम्स भी देश को करेंगे समर्पित। 1690 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है हाईवे, उसका शिलान्यास करेंगे PM, मेडिकल डिवाइसेस पार्क की भी नींव रखेंगे। पीएम मोदी कुल्लू भी जाएंगे, मशहूर कुल्लू दशहरा मेले में शिरकत करेंगे। नागपुर में संघ मुख्यालय पर विजयदशमी का त्यौहार, संघ प्रमुख ने शस्त्र पूजा की। RSS के इतिहास में पहली बार महिला मुख्य अतिथि, दो बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाली संतोष यादव को सम्मान। आज दशहरे पर महाराष्ट्र में दो दशहरा रैलियां, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट अपनी ताकत दिखाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में है तो ठाकरे बोले, उमड़ेगा जन सैलाब, असली शिवसेना कौन पता चल जाए। एकनाथ शिंदे गुट भी जोश में है, शिंदे बोले, मेरी दशहरा रैली तय करेगी शिवसेना पर, अब हक मेरा। दशहरा रैली में इस जंग में पहली जीत उद्धव ठाकरे की है, बॉम्बे हाईकोर्ट के दखल के बाद से मिली थी शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत। शिवाजी पार्क में ही हुआ था शिवसेना का गठन, बाल ठाकरे ने अहम फैसले भी शिवाजी पार्क में लिए। तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी TRS ने 2024 चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान, आज CM KCR दशहरे पर TRS का नाम बदलकर करेंगे BRS। KCR का इरादा राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने का है, पार्टी का देंगे राष्ट्रीय स्वरूप। शशि थरूर का दावा, राहुल गांधी चाहते थे मैं चुनाव लड़ूं लेकिन पुराने नेता थे मेरे खिलाफ। सोनिया गांधी 4 दिनों की यात्रा पर कर्नाटक में हैं, कल भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगे। 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी भारत जोड़ो यात्रा में, कर्नाटक में यात्रा का 21 दिन का सफर, 511 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हादसा, 400 फुट गहरी खाई में गिरी बस, बारातियों से भरी थी ये बस, करीब 50 मुसाफिर सवार थे, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है, 6 को किया गया रेस्क्यू। पूरी बस हुई चकनाचूर, यहां वहां बिखरे पड़े हैं शव, 32 लोगों की मौत। हादसा रिखनी खाल बिरोन खाल रोड पर सिमडी गांव के पास हुआ है, CM धामी ने कंट्रोल रूम जाकर हादसे की जानकारी हासिल की, मौके पर बचाव का काम जारी है, SDRF की कई टीमें तैनात हैं। उत्तरकाशी में जानलेवा हिमस्खलन से तबाही, 4 लोगों की मौत। हिमस्खलन के बाद से 28 लोग अब तक लापता, 26 लोगों को बचाया गया सुरक्षित, लोगों को बेस कैंप लाया गया। लापता सभी लोग पर्वतारोही सिंह पुष्कर सिंह धामी ने मांगी भारतीय सेना और एयरफोर्स की मदद।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ट्रेनें ग्लेशियर में दरार पड़ने से फंसे, मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू में भी दिक्कत। टोकरिया ने ग्लेशियर में 22 सितंबर को चल रहा था प्रशिक्षण, अचानक भूस्खलन की वजह से आफत आ गई। पंजाब के होशियारपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को अमेरिका में अगवा किया गया, कैलिफोर्निया की घटना है। घर में खबर मिलते ही फैला डर, टांडा में हरसे गांव में यह परिवार रहने वाला है। 8 महीने की बच्ची को भी अगवा किया गया, पुलिस ने संदिग्ध को हथियारबंद और खतरनाक बताया है। चोरों को दक्षिण हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से किया गया था अगवा, ट्रांसपोर्ट कारोबार करता है परिवार। सीकर में अगवा बच्चे को छोड़कर एक किडनैपर भाग गए, 50 घंटे के बाद यह बच्चा मिला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर का बड़ा बयान का, राहुल गांधी भी मानते हैं कि मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को होगा फायदा। सचिन पायलट दिल्ली रवाना, जयपुर में गहलोत गुट के नेताओं से मुलाकात की। इस बीच पात्राचौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं, 10 अक्टूबर तक बढ़ी उनकी न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली। चंद्रशेखर राव के नेशनल पार्टी लॉन्च करने की खुशी में टीआरएस नेता ने दिया तोहफा, राजनला श्रीहरि में लोगों में बांटी शराब और जिंदा मुर्गा। जबकि दिल्ली में एलजी और केजरीवाल में विवाद की नई खेप, बिजली सब्सिडी में गड़बड़ी को लेकर 7 दिनों में मांगी रिपोर्ट। बिजली सब्सिडी के मामले में उपराज्यपाल के एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी का पलटवार, प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा सब्सिडी खत्म करने के लिए षड्यंत्र की जा रही है। वोटिंग से 6 दिन पहले बिहार में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा ईबीसी की 20% आरक्षित सीटों को करें जनरल, नया नोटिफिकेशन लाने के निर्देश। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा 10 से 15 दिन पहले नीतीश कुमार ने की थी साथ काम करने की पेशकश। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद कैंट का नाम बदलने को मंजूरी, अयोध्या कैंट होगा नया नाम। मिर्जापुर में रंजिश में व्यक्ति की हत्या करके शव को शौचालय में छिपाया गया, आरोपी को गांव वालों ने पकड़कर पीटा। सूरत के गरबा पंडाल में मुस्लिम बाउंसर्स रखने पर ऐतराज, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। औरंगाबाद में 10 वाहन आपस में टकराए, नहीं गई किसी की जान, दशहरा रैली में जा रहे थे लोग। लखनऊ में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाथ से डूबने से 2 लोगों की मौत हुई। लातूर में बस और कार के बीच में जोरदार टक्कर, 5 लोगों की मौत। यमुनानगर में हादसे से गुस्साए लोग, 2 लोगों की मौत के बाद से लोगों ने ट्रक जला दिया। कानपुर में गंगा में डूबे 7 लोग, 1 व्यक्ति की मौत। मेरठ में दीपक त्यागी मर्डर केस में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। नाड़ में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 1 बदमाश गिरफ्तार। झालावाड़ में युवक को अगवा किया गया, पुलिस ने छुड़वाकर 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। मुंबई के शाहनगर इलाके में बुरका पहनकर घूम रहा था एक शख्स, लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया। उगली में दुर्गा पूजा कमेटी का पंडाल जला, वक्त रहते आग बुझाने से नहीं हुआ कोई हताहत। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी नेता की मारपीट का वीडियो वायरल, पूर्व चेयरमैन और नगर पंचायत के पद पर तैनात नेता परेता ने न्याय की गुहार लगाई। बस्ती में नदी में लड़की का शव मिलने से सनसनी, अब तक पहचान नहीं हुई। जबकि मध्य प्रदेश के हरदा में ट्रैक पार करते वक्त हादसा, तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आया बुजुर्ग। उत्तर प्रदेश के बांदा में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दूध मुहे बच्चे की मौत, 20 लोग हुए जख्मी, सीएम योगी के आदेश का नहीं दिखा कोई असर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुख्यमंत्री ने लगाया ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैन, किसानों ने दी आत्मदाह करने की धमकी। दिल्ली पुलिस के नाम पर साइबर अपराधियों से ठगी करने की कोशिश, 3 लोगों ने पुलिस के हत्थे ये चढ़े हैं 3 अपराधी। कानपुर में नवरात्रि में गंगा नहाने गए 6 लोग डूब गए, इनमें से 4 बच्चियां हैं शामिल। क्योंकि महाराष्ट्र के गुड़गांव में पुलिस के हत्थे चढ़े फर्जी सीबीआई अधिकारी, पुलिस ने 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। अंबाला में मंडी की व्यवस्थाओं से खुश हुए किसान, धान की खरीद में आई तेजी, मात्र 72 घंटे में किसानों के अकाउंट में आ जाते हैं पैसे।
मम्मी सरकार विरोधी पोस्ट डालने के मामले में बिजली विभाग का एसडीओ निलंबित, कई दिनों से सोशल मीडिया पर डाल रहा था पोस्ट। महोबा में देखने को मिला अजब गजब मामला, अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में झाड़ फूंक करती नजर आए महिला तांत्रिक। थाने में दुर्घटना में घायल ड्राइवर के केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने सहायता की, गाड़ियों का काफिला रोककर पहुंचाया अस्पताल। इंदौर में पूजा करवाने आए पंडित का कान यजमान ने दांत से काट कर अलग कर दिया, यजमान समेत उसके भाई उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के यूके SSSC परीक्षा में पेपर लीक के मामले में उत्तरकाशी में पूर्व बीजेपी नेता के रिसॉर्ट पर चला बुलडोजर, मौके पर पुलिस बल तैनात। आगरा में बीजेपी विधायक के गुहार लगाने के बाद से किसान की झोली में डाले गए महज 50 रुपए, गुस्सा है किसानों ने जमकर की नारेबाजी। चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग के निरीक्षक को अवैध वसूली करते हुए विधायक चंद्रभान सिंह ने रंगे हाथों पकड़ा, जमकर फटकारा। मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर, गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में है भर्ती। पश्चिम बंगाल के हुगली में दिखा इको फ्रेंडली ग्रीन मंडल, पंडाल पूरी तरह से कागज और टिश्यू कपड़े से तैयार किया गया।